मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज का नुस्खा ख़ुसूसन स्पेशल ख़वातीन के लिए, जवान ख़वातीन के लिए। मोइन अम्बल अक्सीर अम्बल, यानी कि जिन ख़वातीन को अम्बल नहीं होता, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, जिनके यहाँ गोदरी नहीं होती, जिनके यहाँ अल्लाह ताला उम्मीद नहीं लगाता, ये तो इंशाल्लाह ये सिलसिला तो अल्लाह ताला के हाथ में है। औलाद देनी जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कुरान पाक में। लेकिन लाज कराना हम पर फ़र्ज़ है कि ज़रूरी है कि लाज कराएं, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी गोद अरीना करे। मोहतरम ख़वातीन, आज का नुस्खा बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा है, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। आप ख़ुद बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नुस्खा तीर बादफ है, आला नुस्खों से भी आला है। तो आप ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके यहाँ पहले माह ही में उम्मीद लगा देंगे। मोहतरम ख़वातीन, ज़रूरी है कि पहले इस चीज़ का सदेबाब किया जाए, क्या कि आपके अज़ाए मखसूसा में सोजिश तो नहीं है या लकोरिया वगैरह तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप 100/100 तंदुरुस्त हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ पुख्ता उम्मीद है कि पहले माह ही में अल्लाह ताला आपकी गोदरी कर देगा। नुस्खा बनाने में बिल्कुल आसान, सिंपल सा है, जो इस्तेमाल करने में भी बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह कास्टली भी इतनी उसकी कीमत नहीं है। आप ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जुमला अमराज इंशाल्लाह उस दवाई से ठीक हो जाएंगे। क्या कि आपके रैम में सोजिश है, अगर सोजिश है तब भी वो दवाई सोजिश को उतारेगी। अगर लकोरिया है, कमर में दर्द है या इस तरह की कोई मसला है, तब भी वो लकोरिया को भी ठीक करेगा। जब सोजिश और लकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपके यहाँ औलाद ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पहले माह ही में आपको उम्मीद से कर देंगे, इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है। तो लिहाजा नुस्खा नोट करने से पहले चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ मर्द ख़वातीन को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा। लेकिन बाज़ दफ़ा वो मर्द ख़ुद बीमार होते हैं, मर्द ख़ुद उनके यहाँ जरासीम स्पर्म वगैरह कम होते हैं, तो औलाद नहीं होती। लिहाजा ज़रूरी है कि मर्द हज़रात भी अपना मायना कराएं, अपना इलाज कराएं। अगर मियाँ बीवी दोनों तम दुरुस्त हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ताला आपकी गोद अरी कर देगा। मोहतरम ख़वातीन, नुस्खा लिखा हुआ वीडियो के आखिर में आपको मौजूद है, यहाँ से नोट करके आप नुस्खा बाज़ार से ख़रीद कर बिल पीस कर एक एक अज़ा को पीसें। पीसने के बाद यकजा करके मज़ीद पीसें, उनको कपड़ छान करके दवाई किसी डबिया में महफूज कर लें। यह दवाई आपके लिए तैयार है। खाने का तरीका इस तरह है कि अगर आप शरबत अंजबार से खाएंगी तो बहुत अल्लाह बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। पानी के साथ भी आप खा सकती हैं। बेहतर है कि आप शरबत अंजबार से या कच्ची लस्सी से भी इस्तेमाल करें, कर सकती हैं। एक माशा सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तीन टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक माह इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह के यहाँ पुख्ता
उम्मीद है कि दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको उम्मीद से कर देगा। मोहतरम ख्वातीन, ये थी टिप्स, ये था नुस्खा आज का। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम।